जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की बैठक बुधवार को प्रीतिगढ़ हमीरपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव केवल सिंह पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों में पदाधिकारियों की भूमिका और रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। इस दौरान केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के झूठे वादों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। बाहर की नहीं है गंदगी, यही अंदर है। उसको लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की MSP तीसरा मुद्दा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं चाहता हूं कि किसान मेरा ऊर्जावान हो, तो उस किसान पे भी हम चर्चा करेंगे, बेरोजगारी पे भी चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल उस पे भी चर्चा करेंगे। चौथा एक उन्होंने कहा कोई स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज, उस पे बड़ा उन्होंने एम्फेसिस दिया कि मैं नवीन भारत की जो है संरचना करना चाहता हूँ, पुराना भारत। तो उनके 5 पॉइंट्स हैं, उन्हीं पे जिला कांग्रेस कमेटी जो है एक रूपरेखा तैयार करेगी। वर्तमान में जो आदरणीय मोदी जी ने चुनाव लड़ा था उस पे हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता के साथ साथ, तो आप तो सुजानपुर में मैं देख रहा था, मैं कल आया क्योंकि मैं जरा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ, सुजानपुर में बड़ा अच्छा भाषण दिया, उस भाषण को भी प्रचर्चित करेंगे। कहते थे कि बाहर से सेब, ये सुजानपुर में बोला गया है, और हमीरपुर और इस जिले को तो पानी मैं कहाँ पहुँचा दूंगा। तो वो हम वास्तव में देखेंगे कि जो मोदी जी सुजानपुर में क्या गए थे, क्या वो हमीरपुर को मिला। तो क्योंकि और इसके साथ साथ यहाँ के सांसद भी लंबे समय से सांसद हैं, अब उनसे भी साबता मांगने, क्योंकि जो सुझाव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आए, जिला कांग्रेस कमेटी के आए, उनसे 15 साल का साबता मांगेंगे कि जब बतौर MP आप यहाँ आए हो। अच्छा, हो सकता है एक या दो बार वो कहते रहोगे कि दिल्ली में सरकार जो है दूसरी पार्टी की, हम क्योंकि पिछला चुनाव जो लड़ा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि UPA 1 और UPA 2 रहे। इस बार तो भैया आज़ादी के बाद पहली सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण समर्थित सरकार थी, जिसके पास 282 अपने सांसद थे। तो वो हिसाब किताब अब खासकर जिला कांग्रेस कमेटी और यहाँ वर्तमान सांसद से जो है वो जरूर मांगा जाएगा और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये तो बहुत बताते थे आप, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, अभी आते आते देख रहा 139, 10 साल UPA डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, और 1250 जो 56 इंच और मोड़ी वो कहता था भोले भैया, आज पहला प्रधानमंत्री होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने आज दिन तक पत्रकारों को एड्रेस नहीं किया, फोर्थ पिल्लर ऑफ, यानी कि यहाँ तक लोगों की बातों को तो छोड़ो, पहला प्रधानमंत्री 15 या 20 की आज तारीख होगी 20, ओनली 8 या 9 दिन बचे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो नोटिफिकेशन हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये पहला प्रधानमंत्री इतिहास में होगा जिसने पत्रकारों को संबोधित भी नहीं किया, अपना जो एडिट आता है उसी पे वो बात करके आगे। तो ये अब लेखा जोखा जो है जिला कांग्रेस की बैठक हुई है, और संगठन में भी जो जिला अध्यक्ष और तमाम नेता करेंगे, कुछ लोगों को संगठन में भी कोई और जिम्मेवारी अगर लेना चाहता उसको जिम्मेवारी दी जाएगी, ब्लॉक स्तर पर भी दी जाएगी, जिला स्तर पर भी दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि 15 मार्च के बाद एक एक्शन प्लान जो हमीरपुर के लिए तैयार होगा, 15 मार्च के बाद बहुत बड़ा एक जो है वो रैली जो है हमीरपुर के अंदर आयोजित करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष और तमाम पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता जो है वो हमीरपुर का ही साबता मांगेंगे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए हमीरपुर से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।